It's a great evening, great occasion. Tidings of Troubled Times के इस प्रोग्राम में most of the troubled people, especially this side of us, and of course a genius like our friend Sahil Seth, and Mark Darshak. पवन वर्मा मार्क ही डजंट बिलोंग टू मार्गदर्शक मंडल मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं पहुंचे हैं और जो हाल हो रहा है हम लोग हो सकता है बहुत जल्दी पहुंचा दें एंड अ वेरी लर्नड फ्रेंड एंड वी ऑल एडमायर सच अ वंडरफुल मैन एंड शार्प विटी वेरी मैच्योर्ड आवर फ्रेंड मनीष तिवारी इनके इस प्रोग्राम में हैव बीन इनवाइटेड And that too as a chief guest. Generally, in दिनों मुझे कहीं chief guest बना के भी नहीं बुलाया जा रहा है. So I'm really very thankful and grateful to all of you, especially Manish, for inviting me over here. And a chief guest. This is the third time I'm attending any book launch or book festival of this kind of program. I have not yet read the book. But having said that. I have been told, and especially by my elder brother and a statesman figure, Bharat ke Bhutpurva aur Bhutpurva Vitt Mantri, Finance Minister Mr. Yashwant Sinha, jinke bare mein aaj ke vartaman mantri, Vitt Mantri, Finance Ministry, Finance Minister, hamare achhe dost, aur Suhail Seth ke to bahut hi achhe dost, wo unke liye 80 saal ki umar mein naukri dhoond rahe hain unke liye. खुद की नौकरी जाने के लाले पड़ गए हैं और दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं कि 80 साल की उम्र में उनके और उनके हम सबों के शायद नौकरी जाने के दिन आ रहे हैं ऐसा लगता है और उनके लिए नौकरी ढूंढी है जॉब वेकेंट एट 80 बहरहाल उन्होंने कहा मनीष के पुत्र को लॉन्च में आए थे मनीष की बहुत तारीफ की कह रहे थे वो जरूर जाना अगर कुछ बोलने को पढ़ने को नहीं भी मिला है तो वहां जाओगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होंगे वहां सीखने को बहुत मिलेगा तो आज मैं सीखने को आया हूं यहां पे इस कार्यक्रम में अब चूंकि सुहेल सेठ ने कहा है कि थोड़ी कहना आप इन्होंने कहा हमाम में सब नंगे हैं तो थोड़ा ऐड करना चाहिए हमाम में सब नंगे हैं यानी हम सिर्फ पॉलिटिशियन की बात क्यों कर रहे हैं व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द सरकारी एंड दरबारी एंड चमचास एंड आवर फ्रेंड फ्रॉम द मीडिया अब तो आज वो बात नहीं इसी प्रोग्राम में मनीष तिवारी के और हमारे प्रोग्राम में आज कितनी मीडिया होती है आप खुद सोचो लेकिन आज इतने कम है कहीं किसी किस्म का दबाव है कहीं किसी किस्म का जुल्म है कहीं किसी किस्म की ज्यादती है जितने होने चाहिए नहीं आ रहे और जो आ भी रहे हैं शायद पूरा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अब डिफरेंट पॉलिसी और इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है उसमें एक्साइटमेंट भी है और कुछ लोगों को घबराहट भी है इस इलेक्शन में इसलिए उनका ख्याल रखते अब चार तो हो चुका है और ये भी हमारे दोस्त पवन वर्मा सेड दैट शत्रुघ्न सिन्हा स्पीक्स वेल फॉर द बीजेपी वेदर आई स्पीक वेल फॉर बीजेपी और नॉट बट द फैक्ट इज दैट आई स्पीक वेल फॉर द नेशन एंड वेल फॉर द यंगर जनरेशन व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है पार्टी से बड़ा देश होता है तो बात कर रहा हूं इसका मतलब पार्टी के हित में बात कर रहा हूं इसका मतलब सब लोगों के इंडिविजुअल की हित की बात कर रहा हूं मेरा अपना कोई स्वार्थ तो नहीं है बहुत कम लोग होंगे पॉलिटिक्स में आज के दिन में बहुत कम लोग होंगे फॉर्चुनेटली उसमें शायद एक मैं भी हूं इन लोगों की तरह जिन पे आज तक किसी किस्म का एलिगेशन नहीं है एलिगेशन छिपा हुआ हूं मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं पर कई बार लगता है जैसे हमारे पार्टी में हमेशा कई स्टेटमेंट हैं जिनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है जैसे हमारे लाल के शर्वानी जी हैं बट ये इन जैसे लोग चाहे ज्योति बाबू थे ज्योति बासु थे या ये लोग तो लाइक सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड घने काले बादलों के बीच में चमकती उस सुनहरी किरण का नाम है लाल के शर्वानी और उनसे बहुत उम्मीद कर रहे थे और अपने लोगों से भी उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए बहुत कुछ होगा किया जाएगा उनका पद भी काट दिया गया और उनका कद भी काट दिया गया और यहाँ तक प्रेसिडेंट छोड़िए मंत्री छोड़िए संतरी भी नहीं बनाया गया उनको जिन्होंने कईयों को बचाया और जिन्होंने कईयों को बनाया उसके बावजूद ये हाल हुई वैसे बहुत सारे लोगों को देखा आपने आपने देखा है कि टैलेंट की कमी हमारे यहाँ क्यों है कांग्रेस पार्टी में कुछ भी कहिए कांग्रेस पार्टी में टैलेंट पूल बड़ा जबरदस्त है ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं एक नहीं है कई हैं जो एकदम
whether we agree with Mr. Manmohan Singh or not, but Manmohan Singh is such a learned man. इतना बढ़िया आदमी कई और लोग हैं जो ऐसे हैं कि कहीं खड़े हो जाए तो दे लिव अप टू द मैक्सिमम ऑफ के नॉट हाउ मेनी पीपल यू इम्प्रेस बट होम डू यू इम्प्रेस. वो बहुत बड़ी बात होती है. आज मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ सो उन्हीं की कैटेगरी में एज अ लर्नड पीपल का. एंड दैट इज व्हाई आई से व्हाट पवन जी इज टेकिंग अ लीफ फ्रॉम व्हाट पवन वर्मा हैज सेड कि हमारा ओपोनेंट जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है. हमारा विरोधी जो है हमारा एनिमी नहीं है. दे बिलोंग टू द सेम सोसाइटी सेम फैमिली. किसी के चाचा किसी के मामा किसी के भाई. लेकिन अगर वो हम जब से मिलने जाते हैं तो आवाज उठ जाती आप क्यों मिलने गए. आपको नहीं मिलना चाहिए था शत्रुघ्न सिन्हा जी. नीतीश कुमार से आप मिल लिए. यही पवन वर्मा जी के साथ ही मिला था. इन्हीं का मार्गदर्शन था जिन्हें पवन वर्मा जी नीतीश कुमार से मिले. तो हमने कहा हम मिले तो बड़ी तकलीफ हो रही है. आप तो कुंबे के साथ मिल गए उनसे. पूरी कुंडली लेकर कुंबे के साथ मिल गए या वो आपसे मिले उसमें तकलीफ नहीं होती है. एंड देन ये आपकी सोसाइटी का संस्कार है कि अगर आप लालू से मिलते हैं किसी से मिलते हैं व्यक्तिगत रिश्तों में कोई हद नहीं. हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद दिग्विजय सिंह के यहाँ गए हुए. हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद मुलायम सिंह के यहाँ गए हुए. खुद लालू जी की तबीयत का हाल पूछा है उन्होंने. लेकिन आप करते हैं व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल. अगर हम कहते हैं तो बहुत दिया वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. हम आप क्या है वो कि हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम. वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. क्या मतलब है ये. ऐसा लगता है कि आप जहां शुभ सुन रहा हूं शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा जनता यूनाइटेड में जा रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार शत्रुघ्न सिन्हा लालू की बहुत बनती है. फैक्ट है क्योंकि मैं पर्सनल पे पर्सनैलिटी पे पर्सनल इश्यू पे कभी नहीं जाता. आफ्टर ऑल दे ऑल बिलोंग टू द सेम सोसाइटी. इसलिए आपने आज तक नहीं देखा होगा कि मैंने मिसेस गांधी की हमेशा ऑन द कंट्री हमेशा तारीफ की. चाहे राहुल की हो चाहे राजीव की हो राजीव जी की हो हमेशा तारीफ करता हूं. मैं ज्योति भाषा का नाम भी आपके सामने लिया. मैं मायावती के वो मार्गदर्शक जो उनके रहे सही मायनों में कांशीराम जी बड़ी इज्जत करता हूं. कहां से पार्टी को कहां तक बढ़ा दिया उन्होंने. ऐसे ऐसे मैं शरद पवार की मेच्योरिटी की बहुत तारीफ करता हूं. तो अगर ये करता हूं एज एन एडमायर की तरह तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है. लेकिन हाँ अभी हाल की बात है. मैं इसलिए कहा कि इस मुद्दे पे आने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने अभी हाल में मैं कसौली में गया था. मेरा ही बुक लॉन्च था एनी से बुड़का आप इतने सब थे. और वहां पे किसी ने पूछ दिया मुझसे क्या आप इकॉनमी में कैसे बोल रहे हैं. आपने सबसे पहले बात उठाई नोटबंदी के खिलाफ. हमने कहा नेशनल इंटरेस्ट हुई. आपने बात उठाई जीएसटी के खिलाफ. मैं अभी बात उठाई मैंने राजस्थान में जो बिल आ रहा है ब्लैक बिल जो अभी शायद ठंडे बस्ते में है. ये क्या मतलब है कि सरकारी अफसर दरबारी चमचार मिनिस्टर्स है मीडिया या जो है उनके खिलाफ जा नहीं सकते. 180 डेज तक ड्रामा रहेगा आपका बंद मुट्ठी बंद रहेगी आपकी जेल हो जाएगा आपको. तो हमने कहा नोटबंदी और जीएसटी ये बिल्कुल नीम पे करेले की तरह है. इतना खतरनाक है. अभी चल रही थी टिकट नहीं मिलेगा और ये बात तो उसके पिछले बार भी चल रही थी टिकट नहीं मिलेगा. और आप लोगों के दुआ से और शायद जिनको नहीं पता होगा बता दो पूरे कंट्री में हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन जो इज माइन हाईएस्ट वोट शेयर जबकि मेरा नाम सबसे लास्ट में अनाउंस किया गया था. सबसे लास्ट में रात के 11:30-12 बजे याद है. लोग चाह रहे थे आप लोग चाह रहे थे बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा. ये लास्ट टाइम रिकॉर्ड मार दिए जीता हुआ आदमी. और तरह तरह हल्ला जाते नहीं है करते नहीं है. पोस्टर है वांटेड पोस्टर वांटेड तो आजकल फैशन बन गया. किसी का लगवा दो पोस्टर मनीष का लगवा दो सुहेल का लगवा किसी का लगवा दो उमा भारती का लगवा दो अडवाणी का लगवा दो मुरलीकर्ण जोशी का लगवा दो. 250 रुपए में आता है 500 रुपए में काम चल जाता है. पोस्टर लगवा दो वहां पर. अब पोस्टर लगवा दिया. अभी कहा कि साहब इनको तो टिकट नहीं मिलेगा. तो हमसे यही लास्ट दो बातें कहनी थी. तो उससे कहा गया कि सो आपको टिकट नहीं मिलेगा साहब. आप देखिए ऐसे मत करो टिकट. मैं उसमें तो बात है भाई 2019 में इलेक्शन है कि लगता है शायद 2018 में हो जाए. कहीं राम मंदिर का मामला कुछ गर्म होने लगेगा तो कई लोग कहते हैं कि शायद 2018 में भी हो जाए. लेकिन ये सवाल नहीं है. सवाल ये है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा. हाईएस्ट मार्जिन जीते हुए आदमी को नहीं मिलेगा वो अलग बात है. तो फिर कौन टिकट लेगा नहीं लूंगा कहां से लूंगा वहां से लूंगा नहीं कहीं और से लूंगा. वो तो बहुत बात की बात. वो फैसला बाद में करेंगे. इसमें टिकट वोकट नाम पे हड़काने की कोई जरूरत नहीं है. खामोश
और दूसरी बात, हमें बिल्कुल हड़काने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात,